जब रात के अंधेरे में आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको आसमान में बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं, लेकिन ये जो स्टार्स की तरह दिख रहे हैं इनमें से कुछ गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं, जिसके कारण हमें ये किसी स्टार की तरह दिखाई दे रही हैं। किसी गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों तारों के साथ डस्ट और डार्क मैटर भी होता है, और ये सारी चीज़ें ग्रेविटी की मदद से आपस में एक दूसरे से बंधी होती हैं। आइए आज एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जिसमें हम जानेंगे कि गैलेक्सीज का निर्माण कैसे होता है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बनी। साथ ही यह भी जानेंगे कि गैलेक्सीज के आपस में टकराने पर क्या होता है। गैलेक्सी एक ऐसी विशाल प्राकृतिक संरचना है जिसे अभी पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। अभी हम अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इतनी विशाल प्राकृतिक संरचना का निर्माण कब और कैसे हुआ। और जब हमने यह जानने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि बिग बैंग के बाद जब इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ तब इसके ज़्यादातर हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस और डस्ट मौजूद थी। समय के साथ यूनिवर्स में छोटे छोटे बदलाव हो रहे थे और लगभग बिग बैंग के 100 अरब साल बाद वह समय आ चुका था जब ये गैसेस और डस्ट ग्रेविटी के प्रभाव से पास आने लगे, और यह घटना पूरे यूनिवर्स में हो रही थी जिसकी वजह से अनगिनत स्टार्स का निर्माण हुआ। समय के साथ अरबों स्टार्स, डस्ट और डार्क मैटर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक सिस्टम के चारों तरफ घूमने लग गए, और इसी घटना की वजह से गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। आइए हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को करीब से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सन और सभी प्लैनेट्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट हैं। रात के अंधेरे में हमें जो स्टार्स दिखाई देते हैं वो सभी स्टार्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही मौजूद हैं। इन स्टार्स को पूरी तरह गिन पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनकी संख्या लगभग 100 बिलियन तक होगी। ये स्टार्स मिलकर हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ एक डिस्क का निर्माण करते हैं जिसका डायमीटर लगभग 1,00,000 लाइट ईयर्स है, और हमारा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के सेंटर से करीब 25,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। जैसे कि हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक इसी प्रकार हमारा सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूमता है, और हमारे सूर्य को एक चक्कर लगाने में करीब 250 मिलियन सालों का समय लगता है। ज़्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल होता है जो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि वैज्ञानिक इसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कुछ गैलेक्सीज के सेंटर में क्वासर होता है। क्वासर यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्राकृतिक संरचना है। क्वासर क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है यह जानेंगे हम किसी और वीडियो में। फिलहाल आइए जानते हैं कि गैलेक्सीज के आपस में टकराने पर क्या होता है। ज़्यादातर लोग गैलेक्सीज के आपस में टकराने को कुछ इस प्रकार इमेजिन करते हैं कि जैसे हम एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर मारें तो इनमें से जो पत्थर कमज़ोर होगा वो टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन गैलेक्सीज के आपस में टकराने पर इस तरह की कोई घटना नहीं होती। अगर हम इसे सरल भाषा में परिभाषित करना चाहते हैं तो ये सवाल पूछना ज़्यादा सही होगा कि गैलेक्सीज के आपस में मिलने पर क्या होगा, बजाय इसके कि गैलेक्सीज के आपस में टकराने पर क्या होगा। आइए इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि किसी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स, डस्ट क्लाउड, डार्क मैटर और बहुत सारा स्पेस मौजूद होता है। इसका मतलब है कि अगर दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि उन दोनों गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स आपस में टकराएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली स्पेस होने की वजह से गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स बिना टकराए ही आसपास से गुजर जाएंगे। ऐसी गैलेक्सीज जिनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है वो छोटी गैलेक्सीज को यानी कि कम मोमेंटम वाली गैलेक्सीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, और इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोलिजन के बाद भी ये दोनों गैलेक्सीज अपनी अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहें।
इसका मतलब है कि छोटी गैलेक्सीज बड़ी गैलेक्सीज में मर्ज हो जाती हैं। इसी प्रोसेस की वजह से दोनों गैलेक्सीज में मौजूद डस्ट और गैस क्लाउड और ज़्यादा डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है और नए स्टार्स का जन्म होता है। हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ मिलियन सालों बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी आपस में टकराएंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों गैलेक्सीज में मौजूद ब्लैक होल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव इन दोनों गैलेक्सीज में किस प्रकार पड़ेगा इसका भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पूरी तरह वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित होती है। हमारा उद्देश्य है कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च और थ्योरीज को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का। इसीलिए हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।